जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, ये जीवन का ही हिस्सा है। परंतु इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में कोई न कोई अच्छी बात ढूंढ लेते हैं और सुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी चीज़ों में भी नकारात्मक चीज़ें देख लेते हैं और दुखी होकर उन्हीं का रोना रोने लगते हैं। लेकिन ये सुख दुख क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार किसी देश की सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। देश की रक्षा हित कुछ सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। सारा दिन युद्ध होता रहा। शाम होते होते कुछ सैनिक बाकी सैनिकों से बिछड़ गए। वापस अपने सैनिकों को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थक जाने के कारण सभी सैनिक वहां एक नदी के किनारे पहाड़ की चट्टान पर आराम करने के लिए रुक गए। तभी उनमें से एक नकारात्मक सोच रखने वाला सैनिक बोला, क्या जिंदगी है हमारी, भूख से मरे जा रहे हैं और ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। इतना सुनते ही उसके एक साथी ने जवाब दिया, जब हम छावनी में रहते हैं तो वहाँ की सुख सुविधाओं का भोग हम ही करते थे। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। उस सैनिक की बात का समर्थन करते हुए एक और सैनिक बोला, जब हम युद्ध जीतकर अपने देश वापस जाएंगे तो राजा सहित मंत्री सेनापति और देश के सभी लोग हमारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन जिसकी सोच ही नकारात्मक हो, भला वो कैसे कोई अच्छी बात कर सकता है। वो सैनिक फिर से बोला, वापस तो तब जाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम अपने साथियों को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। सभी सैनिक इसी तरह सुख और दुख की बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक बौना साधु आया और उनसे कहा, भाइयों, तुम सब यहाँ से मुट्ठी भर छोटे पत्थर लेकर जेब में डाल लेना और जाते समय जब सूर्य शिखर पर होगा तब इन पत्थरों को निकाल कर देखना, तुम्हें सुख और दुख के दर्शन होंगे। इतना कहते ही वो साधु वहाँ से चला गया। अब सब सैनिकों की बात का विषय वो साधु बन गया था। बातें करते करते सभी सैनिक सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही सब सैनिक उठ गए और साधु के कहे अनुसार सबने एक मुट्ठी भर पत्थर अपनी जेब में डाल लिए। चलते चलते दोपहर होने लगी। जब सूरज शिखर पर आया तो सबने जेब से पत्थर निकाले, तब सब के सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बहुमूल्य रत्न थे। सभी सैनिक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि अचानक नकारात्मक मनोवृत्ति वाले दुखी सैनिक ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। क्यों, हमें क्यों रोना चाहिए, ये तो खुशी की बात है कि हम सबको ये बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं। उसके एक साथी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन वो नकारात्मक और दुखी इंसान फिर बोलने लगा, अगर हम एक मुट्ठी की जगह एक थैला भरकर पत्थर लाते तो मालामाल हो जाते। लेकिन क्या तुम उस साधु की बात पर विश्वास करते। इतना सुनते ही सभी सैनिक खिलखिलाकर हंसने लगे। सबको साधु की कही बात समझ आ गई थी कि सुख और दुख कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन की भाव पर है। एक ही परिस्थिति में कोई दुख ढूंढ लेता है तो कोई सुख।